प्रेजेंटिंग बाय SCM स्टूडियो। बाता साच के वो कोई सुने तो थारो मनक जन्म सुधरे लो। बाता भी किन्ने कहनी आवे कोई होने तो। भैरू महाराज एक भजन लिख्यो, पाऊ सागर में बोल गणी बीरा समझ समझ ने चालनो, आंदा आगे नाचनो ने बेरा आगे गावनो, जाने झूठला ने हाथ बोला आवड़ो। आंदो आदमी वे जिका मुंडा के सोला श्रृंगार कर खूब लटका कर नाचो, लेना है देना। बेरा आगे मोगड़ा वाला मिल मिल गा, वो लेना है देना, जाने झूठला ने हाथ बोला आवड़ो। आप श्रोता ऐसे हो इसलिए मैं कह रहा हूं, बाता साची के वो कोई सुने तो यो थारो मनक जन्म सुधरे लो, जो तू सत की राह पे चले लो। बाता साची के वो सुने तो, साची के वो तो सुने लो, बाता साची के बाता साची के हूं कोई सुने तो, थारो मनक जन्म सुधरे लो, जो तू सत की राह पे चले लो। सत की राह पे, असत की नहीं। और सत की राह भी कौन चला सही लगे तो ताली बजाना, कौन चला आप उन्हें चालनी आवे जाको नाम आज भी धरती पे कौन। बाता साची के हूं कोई सुने तो, थारो मनक जन्म सुधरे लो, जो तू सत की राह पे चले लो। कौन चलिया? राजा हरिचंद्र। हरिचंद काशी में खड़ा, कोई ले लो मोल जचे तो, ले लो मोल जचे तो। अरे राजा हरिचंद खड़ा काशी में, अरे ले लो मोल जचे तो, ले लो मोल जचे लो। अरे वहां के बाद कोई एक बताओ, वहां के बाद कोई एक बताओ, जो संत के केवा पे बिके तो। बाता साची के वो सुने तो, बाता साची के वो सुने लो। राजा हरिचंद खड़ा काशी में, कोई ले लो मोल जचे तो, वहां के बाद कोई धरती पे एक ही बताओ, जो संत के केवा पे बिके तो। राजा हरिचंद ने विश्वामित्र ने आके कह दिया कि पूरा राजपाट वचन में ले लिया, और क्यों 60 बार सोनो और ही छाजो। तो तीन ही प्राणी बिक गया, राजा हरिचंद, तारामती रानी और बेटा कंवरनी, रोहिदास ने बेच दी दो संत के केवा पे। अन आजकल संत ऐसा आना अपना ने को मांग लेता वे तो संता की एडिया लाग दे जा। जानो इस बड़े काकी सत पे चालनो हर किसी बात। आज भी राजा हरिचंद का नाम धरती पे अमर है। अन वे सब जना बोलो, वे अपना जो मन किस ने बोल रहा, बोलो ना, वे अपना जो मन किस, हा अपना जो मन किस। अन आपा भी बोझ मनक तो वे, हा जो हजारों वर्ष में गया लेकिन आज ही नंबर नाम अमर है। संत के केवा पे बिके थे, मांग लिया दे दिया, लेकिन आज भी अटल है। और राजा मोर ध्वज संत जी मावे, बेटो संती अटे तो, बेटो बेटो संती अटे तो। अरे वाह के बाद कोई एक बता दो, वाह के बाद कोई एक बताओ, अरे बेटा प्यारो चले तो। माता साची के वो सुने तो, माता साची के वो सुने लो। एक बार सभी मिलजुल के भक्त और भगवान की जय बोलो। बोलो भक्त वसल भगवान की। राजा मोर ध्वज संत जिमावे, बेटो संत अटे तो। अब राजा मोर ध्वज को नाम अमर काम धरती पे। कृष्ण भगवान अर्जुन तो ही घूम बने गया,
घूमता घूमता संध्या वर्धन वे गयो शाम की टेम मंगल आरती को टेम वे गयो जंगल में सा तो मंगल आरती को टेम देख अर्जुन समय देख झुकन भगवान कृष्ण ने प्रणाम की दो अपना मेनु कुछ एक मन का नियम है शाम सुबह मंगल पे आरती पे मंदिर पे कट्टे भी वे तो ही वटू के भाई आरती चालू वेगी तो वटू भगवान ने याद करे याद करे याद जाने जो जाने न जाने गणा मंदिर का हमें वैदे को वैदे भी गई साधु महात्मा का लेन देन जी मंदिर ठेका में दे मिलो है मंदिर तो ठेका में भगवान ही ठेका में आके गांव का मन मंदिर बनावे आके गांव का मन मूर्ति बिठावे आके गांव का मिलन भगवान को उद्यापन करे और आके गांव का मिलन भगवान ने ठेके दे दे साधु महात्मा के अबे थारा तो हमारे कर दे वो का तशर आके मत अर्जुन समय देख तो भाई संध्या विधन में क्यों भगवान ने प्रणाम की दो तो जो ही भगवान ने अर्जुन प्रणाम की दो तो अर्जुन प्रणाम की दो तो कृष्ण भगवान भी दो पावंडा आगे चाल और नीचे झुकन प्रणाम भगवान खुद कर रहा कृष्ण भगवान प्रणाम की दो तो अर्जुन के मन में संदेह पैदा हो गया भगवान पूरी धरती पे संसार थाने प्रणाम करें थे कि ने प्रणाम कर रहा तो कृष्ण भगवान क्यों रे बेंडा थूने जाने ही बात ने कई बात है कि अनि धरती पे मारा अश्याबी भगत है अश्याबी भगत है जाने मन ने प्रणाम करना पड़े अर्जुन क्यों था के मारूं भी ओरी बढ़कर कोई भगत है कृष्ण भगवान मुस्कुरान क्यों रे अर्जुन तू मारो भगत कोई नहीं तू तो मारो दोस्त है दोस्त भगत कई वे जिन्हें थे देखे ही कौन तो अर्जुन ठान ले देख जल्दी मन भगत बताना पड़े क्या अगर रेवा देख नहीं नहीं मन बताना पड़े देखना चाल कृष्ण भगवान भी संत बन गया अर्जुन ने संत बनाई दो ही संत बन गया विश्वामित्र ने बुलाया वानर नार बनाई दो शेर शेर ने लारे ले विश्वामित्र स्नार बनिया तक अर्जुन संत कृष्ण भगवान संत बनिया तक जाते ही राजा मोर ध्वज के द्वार पे अलग जगह अलग निरंजन पधारो महाराज पधारो अहो भाग्य आज माँ के घरे संत पधारिया भोजन पाओ कृष्ण भगवान संत बनिया देखो नहीं संतों का नियम है पहले वचन उसके बाद में भोजन राजा मोर ध्वज को यो मारो वचन जो मांगोगा जो हाजर है बैठो भोजन पाओ वचन दीदा बाद में कृष्ण भगवान क्यों हाँ राजा हम भोजन बाद में करेंगे पहला हमारा ये नार भोजन करेगा विका बाद में मैं भोजन कर रहा हूं तो अलकारा ने बोला अलकारा संता को नार जो भी मांस खावे पाडा को बकरा को जो भी मांस लाओ और खिलाओ भगवान कृष्ण संत बनिया देखा क्यों नहीं ये कोई ऐसा वैसा नार नहीं है जो भैंसा या बकरा का मांस खाए फिर कृष्ण भगवान के लिए थारो एकाएक बेटो रतन कंवरे हाँ दो ही जना आ रहा हूं चीर उबी फांक कर दो एक फांक मां को नार बाणू खाई और एक फांक मैं जावा जिदान खाई और मां को नार भोजन करे तो मैं भोजन करा और वचन भी ले लूं क्यों बेटो व्यवस्था करा मोरध्वज पद्मावती ने जान के वो बात हसी है संत आया द्वार पे वचन में आ गयो और वे वचन में ले रतन कंवर को भोग मांग लिया तो रानी कह रही आप सत्यवादी हो तो मैं भी तो सत्यवादी हूं सत्यवादी का साथ हमेशा मैं भी निभाऊंगी लेकिन आपने दोया की बात को बात बेटा पे आपा तो कह रहे भाई संत मांग रहे वचन में हाँ तो देना जरूरी लेकिन बेटो इनकार भेजी तो आपने लाज जा अटेक मनोरंजन टॉपिक दे रही पहला गांव का दो जना नौकरी करवाना अपना गांव में आ गया दो ही जना के नौकरी घरवाड़ो माठ साहब घरवाड़ी डॉक्टर मकान किराए ले रह रहा अपनी अपनी नौकरी करी पर दो ही रोज लड़ता जो आपको हेरियो पाड़ो परेशान भी गयो आखिर गांव परेशान भी गयो रोज लड़ता लड़ी कही ही छोरो भाई जिन्हें लुगई तो कह के मारा इन्हें डॉक्टर बनाओ मैंने वो घरवाड़ो कह इन्हें मास्टर बनाओ या लड़ाई थी कहाँ घरवाड़ो मास्टर हो घरवाली डॉक्टर दो ही लड़ता घरवाली के मार छोड़ो डॉक्टर बनाओ घरवाड़ो के मारा बेटा ने मास्टर बनाओ दो ही लड़ता तो आपको गांव परेशान हो संत आया गांव में प्रवचन दीदार क्यों कोई दुखी सुखी हुए तो लाओ हटे गांव का क्यों माँ के सब आनंद ही आनंद गांव में कोई दुखी कोई नहीं पर माँ के दो अंतन बारा पहला गांव का आया था वे दुखी है महाराज क्यों कौन दुखी माना है लाओ तो गांव का जान माना दो ही जना ने बोला लाया डॉक्टर साहब ने मास्टर साहब ने दोए ने लाया दोए ने बोला कहीं भी
तो घरवाली डॉक्टर ही घरवालो मास्टर हो क्यों मेरे लड़के को घरवाला मार साहब आज क्यों मेरे लड़के को मैं मास्टर बनूंगा जितने घरवाली को नहीं मेरे लड़के को मैं डॉक्टर बनूंगा या लड़ाई है माँ के गुरु महाराज क्यों हाँ हाँ आप घरवाला ने क्यों तू मास्टर है जो थारा बेटा ने मास्टर बनाने सब है घरवाली क्यों मुँह डॉक्टर नहीं हूँ मारा बेटो डॉक्टर बनी तो क्यों थाकी दो है कि राय तो वेगी सलाह वेगी पण भी बेटा ने तो बुलावो वो बेटो कई बनना छावे वो मास्टर बनना छावे डॉक्टर बनना छावे कई और बनना छावे तो बेटा को नाम ले दो दो ही जना नीचे नाड़ा बला गया कि बेटो तो आल पैदा ही नहीं भी हो आल सलाह वेगी है अब दो ही जना की रख मैं तैयार हूं पद्मावती और मोर ध्वज तो क्यों रतन कंवर को बुलाओ हल्का रखे द्वारा रतन कंवर ने बुलाए बेटा रतन कंवर पिताजी याद करे रतन कंवर आवे दौड़े लोगो हाँ पिताजी आदेश करो कि बेटा संत आया द्वार पे सत हरणो छावे बेटा थारो भोग मांगे वाकल आ रहे जो नार आवे जी नार के लिए थारो भोग मांग रहा है अब अच्छा बेटा भी धरती पे बेटा टेम लगे बेटे क्यों पिताजी आप सत्यवादी तो मैं भी तो सत्यवादी हूं और सत्यवादी का साथ हमेशा मैं भी निभाऊंगा आप आज दिन तक कभी होने कोई संतान मास मांग रहा थाने तो वे संत दिख रहा है पर मने वे कोई और दिख रहा है मने तो यूं लाग रहे हो मारो आज अहो भाग्य जो मारो खुद को भोग ठाकुर जी के लाग रहे हो बोलो भक्त वसल भगवान की रतन कंवर खुद आरोला राजा मोरध्वज पद्मावती ने दीदो जल्दी करो वे संता को नार भूखा मरे तुरंत दो फाड़ कर दी पद्मावती और मोरध्वज रतन कंवर की एक फाक नार ने नाक दी थी एक फाक मेला में मिल थी नार फाक ने खा रही और रतन कंवर की अब कृष्ण भगवान संत बना देखो हाँ राजा अब भोजन लाओ तो जो ही भोजन लाया दो पातल लगाई थी कृष्ण भगवान संत अर्जुन संत के दो पातल लगाई राजा कृष्ण भगवान राजा ने क्यों राजा दो पातल और लाओ क्यों आप दो ही जना हो दो पातल वेगी और ही किके के थे दो ही जना भी माँ कल लारे भोजन करो अणी सब हाल ने अर्जुन संत बिनत को देख रही बेटा ने कट्टा ने क्यों ने कह रहा थे माँ कल लारे भोजन करो तो मैं भोजन करा बाकी ने करा क्यों माँ बाणुस की दूसरे को नहीं तो फिर संत भोजन नहीं करेंगे तो दो पातल और ही लगी पद्मावती रानी मोर ध्वज के चार ही पातल पे जो ही भोजन रखियो और कृष्ण भगवान संत बनिया था क्यों राजा एक पातल और लाओ अब अर्जुन भी देख रहे हो संत बनिया को क्यों आपा चार ही जना हान चार ही पातल वेगी है अब एक पातल और कीके और कृष्ण भगवान संत बनिया था क्यों बेटा रतन कंवर भोजन नहीं करेगा क्या बेटा रतन कंवर भोजन नहीं करेगा जी पहली अर्जुन संत बने तो को मुसलमान भगवान का पगा में जा पीड़ियो कि मने अटू परो ले जाओ अबे मारा उन्हें देखने आ रही हो मुंडा आगे बेटा ने कट्टा ना क्यों मर्या तक का कोई रोटा खाता फिर कह रहा रतन कंवर भोजन नहीं करेगा भगवान कृष्ण संत बने तक राजा मोरध्वज को बेटे को आवाज लगाओ कि बेटा रतन कंवर आओ भोजन करो और वनी टेम आवाज लगावे रतन कंवर मेला मु दौड़ नावे बोलो भक्तोर भगवान की चतुर्भुज रूप में दर्शन दीदा भगवान राजा मोरध्वज ने पद्मावती रानी ने और रतन कंवर ने रखियो अश्या मनका की जरूरत अट्टे कोई ने अश्या की तो बेकुंठ में जरूरत है जो है नहीं तीन ही माँ बेटा ने भगवान बेकुंठ ले गया बोलो भक्तोर भगवान की अश्या भी धरती पे आया जाके दाग करवा की गाड़वा की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई अपना जो मन की राजा मोर ध्वज संत जी मावे बेटो संती अटे तो बेटो संती अटे तो वाके बाद कोई एक बतावो वाके बाद कोई एक बतावो बेटा प्यारो दबे तो साची के वो सुने तो बाता साची के वो सुने तो
बाता साची के हूं कोई सुने तो थारो मनक जन्म सुधरे तो। अंत में कवि ने बहुत ही सुंदर शब्द लिखा है, क्या राजा मोर दो संत जी मावे बेटो संत तो इसके बाद में दो ने छोड़ तीजी सुमिरण कर ले सतगुरु से न मिले तो, मिले तो सतगुरु से न मिले तो। उकरा कोई जान सके, उकरा कोई जान सके, मर बापेली मरे तो। उकारा कोई जान सके, मरबा पहली मरे तो, मरने से पहले मरना पड़ता है। मारी आदत ही खराब है सत्य केवा की, माफ कर दियो। असली पहचान कही वे संत की जो शरीर मर जावे, वे जीवते ही शरीर ने मार ना के भक्ति का प्रताप। आजकल ना मारवा में हम जी को ने शरीर देखो तो लाल टमाटर बन गया, बाकी ओरिजिनल पेचिन भक्ति का प्रताप वो पहला ही संत ने शरीर ने मारना के गणा। एक जगह बात करना कि आपने हिंदुस्तानो अंग्रेज 150 साल आगे मारे बेस वेगी ईशान बेटा बेटे का अपना भारत नु 50 साल आगे अंग्रेज। मैं क्यों कड़ी हूं प्रॉपर्टी अंग्रेज 50 साल आगे। मैं क्यों वही मैं हूं क्यों वही जो बनी क्यों जदी मैं कहीं कहीं राज वही जदी यो कही रहे वही मैं क्यों राज तो है ही से कि कई राज है क्यों वे पैसा का मामला हूं आगे बाकी भक्ति का मामला हूं तो भारत अंग्रेजों 150 साल 150 साल तीन गुणा। तो मैंने पूछो राज कही राज भी जानना चाहो हाँ बता दू अंग्रेजा को संत अपनी संत अंग्रेजा भी संत क्यों भारत का संत जाके देखूं तो अब अटे आ जाए संत बताओ तो आप कई कहवा संत खास आपना कट्टे बतावा। मारी नजर में तो बाणू मेवाड़ की मीरा है तो आपने महामंडलेश्वर बाबूजी श्री चेतन दास जी महाराज जो कुंभ में खाड़सो लाग रहे तो आप वही कह संत बैठे तो वो अंग्रेजों में संत भी बैठे जाने क्यों संत का दर्शन करना तो बाबूजी भी नट गया संत अट्टे को जल्दी कटे चेतन दास जी बाबूजी नट गया संत अट्टे को जल्दी कटे तो देते वही कही सही रिश्तो बताओ संता का देखना वे तो संत हिमालय की पहाड़ा में जटे भक्ति को मारिया तो वो अंग्रेजा को संता को मेन कैप्टन जो उठपुरो की हिमालय के गुफा में संत देखना का भारत का संत कैसे आ गया। एक संत 80 साल की उम्र में शरीर में मासी कोई न कोरा हार्ड कहीं से आसन लगान भक्ति कर रहा आंखें बंद कर मिली वो अंग्रेजा को संताओं कैप्टन हो जो वो हमें बैठ गयो तो देखियो देखो कैसी भक्ति है। तो अपना हिंदुस्तान को संत भक्ति करियो 80 साल को ढांचो नदी बड़े बेरी एक होड़ा साल को मुर्दो आपू बेतु तो को आ रो नदी मीने वो 80 साल को संत भक्ति करते लोगो उठ चाल वाला गयो चालते ही नदी में गयो नदी में जाते ही वो होड़ा साल को मुर्दो आ रो जिन्हें तो अखल लिया और वो अंग्रेजा को संत भी पाछ पाछ क्यों देगा कटे जावे कई करे देखू होड़ा साल का मुर्दा ने लान 80 साल का संत पाचा भक्ति में बैठ गया भक्ति में बैठ भी होड़ा साल का मुर्दा ना अपने गोद में ले दो गोद में ले और भक्ति का प्रताप अपना अणि शरीर भक्ति के काबिल नहीं दियो खुद को शरीर जो अपना प्राण काट अनवी 16 साल का मुर्दा में नाग देता जो वो 80 साल को ढांचो पड़ गयो वो होड़ा साल को बैठ ने भक्ति करवा ला गया। अंग्रेजा को संत क्यों नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता है। संता के कान में आवाज पड़ गई कि नहीं वे सके पाचो प्राण होला साल का मुंह काटन पाचो 80 साल का मैं फेट कर पाचो बिने बेटो कर दो। अंग्रेजा को संत जट भागो यो प्राण ने अटूट ने कर सके न मारा पे बहु मोटी खांड आका फेंक दे तो मैंने नार बना नटी नार भी लाग दे आ मंगरामी दौड़ाई मैंने बोलो सतगुरु देव की। अच्छा संत अपने हिमालय की गुफा में है हजारों वर्ष की तपस्या की आख्या का बाल भी इतना लंबा हो गया तो मैंने वो देखना पड़ रहा बाकी आज भी उम्र है और बाका प्रताप उस आपा जी हो जाए इसलिए क्यों कि दो ने छोड़ तीजी सुमिरण कर लो सतगुरु से न मिले तो मिले तो सतगुरु से न मिले तो। उकारा कोई जान सके उकारा कोई जान सके मर बापेली मने तो बाता साची के मुंह सुने तो बा
बाता साची के वो सुने तो भक्त वसल भगवान की। देखो मैं कम जनता है इसलिए मैं क्यों ये जनता आया जो सुनवा वाली से जो ये घेरा भजन होना है तो जो मानी आवे माता जी का भैर जी का सतगुरुदेव की लीजिए।